टॉप 3 फ्री मोबाइल वीडियो एडिटिंग एप्स। तो चलिए शुरू करते हैं कैपकट से। आपने ये वाला इफेक्ट जरूर देखा होगा, जहाँ पे वीडियो के अंदर टेक्स्ट में कुछ पार्ट येलो और कुछ पार्ट व्हाइट सा होता है। सेम सेंटेंस में व्हाइट के कलर चेंज करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कैपकट में ही मौजूद है। नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करने के बाद जिस वाले व्हाइट का भी कलर चेंज करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाके हमें बस सिंपली उस व्हाइट का कलर चेंज कर देना है। नॉर्मल फोटो को कुछ ऐसे बदलते हुए आपने जरूर देखा होगा, बस एक क्लिक में ही हम कैपकट के अंदर ये कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में जाके जिस वाले फोटो में भी हमें ये वाला इफेक्ट चाहिए हमें वो फोटो ले लेना है। अभी नीचे की तरफ हमें स्टाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। अभी स्टाइल के अंदर हमें काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनमें से हमें मोशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद 3D जूम या फिर 3D जूम प्रो, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे मजेदार इफेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ कैपकट में ही मौजूद है। इस वाले फीचर के साथ हम हिलते हुए फेस के ऊपर इमोजी चिपका सकते हैं। हमें बस कोई भी एक वीडियो ले लेना है जिसमें कि फेस हिल रहा हो। अभी स्टिकर स्टोर से हमें कोई भी एक स्टिकर ले लेना है। स्टिकर को फेस के अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। अभी जस्ट ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही AI की मदद से ये कैट वाला इमोजी पूरी तरीके से फेस के साथ चिपक जाएगा। अगला है काफी तगड़ा एडिटिंग ऐप काइनमास्टर। कोई अगर इसके सारे फीचर्स को जान जाए तो फिर ये कंप्यूटर वाले एडिटिंग एप्स को भी टक्कर दे सकता है। काफी सारे वीडियोस में आपने बिहाइंड द टेक्स्ट जरूर देखा होगा, जो कि प्रीमियर प्रो से काफी स्मूथली किया जा सकता है, लेकिन काइनमास्टर के मदद से भी हम ऐसा कर सकते हैं। हमें बस ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो फुटेज ले लेना है। याद रहे कि फुटेज को सिर्फ और सिर्फ लेयर वाले ऑप्शन पे ही लेना है। अब क्रोमा की मदद से बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। अब हमें जो भी लिखना है उसे सिंपली टाइप कर देना है। नेक्स्ट इस लेयर वाले फुटेज को एडजस्ट करके डुप्लीकेट कर लेना है। Hey, how are you? Subscribe. अभी अगर आपके पास काइनमास्टर का एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन है तो फिर उसमें एक फीचर है मैजिक रिमूवर का। इसे टैप करते ही एक झटके में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, जिसके लिए कोई ग्रीन स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑडियो एडिटिंग के लिए भी काइनमास्टर में एक एडवांस फीचर मौजूद है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है तो फिर इस फीचर के मदद से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। हमें बस बैकग्राउंड म्यूजिक में टैप करके डकिंग वाला ऑप्शन इनेबल कर देना है। अब मीडिया में क्लिक करके हमें साउंड वाले आइकन में चले जाना है। अब जस्ट सिंपली वॉल्यूम को डाउन कर देना है। इसके अलावा भी वॉल्यूम एनवलप फीचर के साथ किसी भी पर्टिकुलर टाइम जोन पे हम ऑडियो का वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। तीसरा है पावर डायरेक्टर। ये पूरी तरीके से काइनमास्टर जैसा ही है, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया है जो कि दूसरे किसी मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप में नहीं है। पहला है ये AI के मदद से ह्यूमन बॉडी के चारों तरफ से कूल नियोन इफेक्ट क्रिएट कर देता है। दूसरा है टेक्स्ट इफेक्ट और एनिमेशंस। इसके अंदर काफी ज्यादा मोशन ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट इफेक्ट्स दिया गया है जो कि दूसरे किसी ऐप में नहीं है। तीसरा है इसका बीरोल यानी लेयर वाला ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ पावर डायरेक्टर में ही हम लेयर के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लेयर में कूल शेडो इफेक्ट्स भी हम दे सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो फिर ऐसा कोई सिंगल ऐप नहीं है जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो फिर हमें अपने नीड के अनुसार देखना होगा कि कौन सा ऐप हमें कब काम आएगा। बाकी PC अफोर्ड कर सकते हो तो फिर ले लो। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 150, करवा देना।